क्या आपको इंटरनेट बैंकिंग यूज करना नहीं आता? तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताया हूँ कि किस तरीके से आप घर बैठे आप किस तरीके से SBI का नेट बैंकिंग आप किस तरीके से यूज करेंगे। स्वागत, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही आपको साथ ही में क्या करना है, इस बेल के बटन को प्रेस कर लेना है। बेल के बटन प्रेस करने से यह होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो बेल के बटन प्रेस करते ही उसको जो है आप ऑल कर दीजिए। ऑल करने से यह होगा कि सबसे पहले मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। मैं आपको इस वीडियो में ये बताया हूँ कि किस तरीके से आप SBI का इंटरनेट बैंकिंग आप किस तरीके से यूज करेंगे। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, DDH रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, पैसे किसी को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, चाहे SBI का बैंक हो या अदर बैंक हो या कोई भी बैंक हो, तो आप किस तरीके से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका PPF अकाउंट नहीं है तो PPF अकाउंट आप किस तरीके से ओपन करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारा कुछ बताया हूँ। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आप जो है कभी नहीं भूल पाइएगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ये बताया हूँ कि किस तरीके से आप SBI इंटरनेट बैंकिंग का आप यूज कैसे करेंगे। अगर आपको कहीं से पैसा आता है तो उसको भी आप जो है बहुत ही इजी तरीके से चेक कर सकते हैं, आपका कितना पैसा है वो भी देख सकते हैं। आप जो है इस वीडियो में वो सारा कुछ देख सकते हैं जो आप इंटरनेट बैंकिंग में यूज करना चाहते हैं। तो आप जो है 10 से 15 मिनट टाइम देते हैं तो बहुत ही आसानी से वो सारा कुछ आप जो है इस वीडियो में सीख जाएंगे, जैसे मैं अभी आपको बताया हूँ। तो आपको SBI का इंटरनेट बैंकिंग यूज करने के लिए आपको कैसे यूज करेंगे ये देखने के लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आप सब कुछ समझ पाएंगे किस तरीके से SBI का इंटरनेट बैंकिंग यूज किया जाता है। इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको टाइपिंग कर देना है SBI। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ चुका है, आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पर्सनल बैंकिंग, आपको लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ कंटिन्यू टू लॉगिन वाले पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो कैप्चा को इस तरीके से रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे डालेंगे कैपिटल तो कैपिटल में, स्मॉल है तो स्मॉल में। इसके बाद लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। लॉगिन वाले पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको जो है अकाउंट ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि आपका जो है अकाउंट नंबर आ गया, ब्रांच, इसके बाद अवेलेबल बैलेंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और 10 ट्रांजेक्शन तक आप अपना बैलेंस यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आइए ऊपर में, यहाँ पर देखिए माय अकाउंट एंड प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे अपना अकाउंट डिटेल देख सकते हैं, यहाँ प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, यहाँ पे पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ पे जो है देख रहे हैं एड एंड मैनेजर बेनिफिशियरी फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अकाउंट अदर में आप यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर अदर बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, IMPS फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, और वाले पे जाके और भी आपको कुछ मिल जाता है। यहाँ पर देखिए बिल पेमेंट है, तो बिल पेमेंट कैसे करते रखते हैं, यहाँ पर देखिए मैनेज बिल व्यू पे बिल पेमेंट हिस्ट्री ऑफ रिचार्ज, SBI MF सिप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, SBI लाइफ प्रीमियम कर सकते हैं, और भी आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट पर जाकर यहाँ पर देखिए फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, और भी कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, और मोर पर जाने के बाद और भी आपको कुछ मिल जाता है। यहाँ पर जो है ई टैक्स पर जाकर यहाँ पर देखिए कि आपको डायरेक्ट टैक्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, और भी कुछ यहाँ पर मोर वाले पे क्लिक करने के बाद मिल जाएगा। यहाँ पे ई सर्विस जैसे ही कर्सर रखते हैं तो यहाँ पे देखिए ATM कार्ड के लिए जो है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ई कार्ड्स के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे माय सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, तो माय सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड फॉर्म 16A का जो फॉर्म है, आप यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं होम लोन के लिए, यहाँ पे होम लोन इंस्टेंट के लिए, और यहाँ पे देखिए कि आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज जैसे कर
कर्सर रखते हैं तो यहाँ पर देखिए आप जो है न्यू PPF अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर स्टैंडिंग इंस्ट्रूमेंट कर सकते हैं, देखिए स्टेटस इंक्वायरी कर सकते हैं, और भी आपको ढेर सारा ऑप्शन अगर मिल जाता है। अगर आपको न्यू PPF अकाउंट ओपन करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आप जो है न्यू PPF अकाउंट यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर न्यू PPF अकाउंट, तो इस पर क्लिक करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप इसका प्रिंट जो है आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको इस पर क्लिक कर देना है यूजफुल लिंक पे, और यूजफुल लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप SBI लोन ले सकते हैं, SBI माई वर्ल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है SBI वगैरह आप देख सकते हैं, योनो में आप यहाँ से जा सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कुछ भी करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भर भर के आपको मिल जाता है। यहाँ से आप ढेर सारा ऑप्शन का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि SBI लोन ले सकते हैं, गोल्ड लोन ले सकते हैं, SBI वेदर, माय SBI वर्ल्ड, सेट मैप और मोर वाले पे क्लिक करने के बाद और भी कुछ आपको यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखिए तो सो गाइस इस तरीके से आप जो है बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ से आप जो है कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पेमेंट आप कर सकते हैं, अगर किसी को पेमेंट करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्विक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी का कोई ऐड करके बाद में भी उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि अगर आप किसी का अकाउंट SBI में है तो यहाँ पर देखिए विदिंग SBI यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन का दूसरे बैंक अकाउंट है तो आप जो है यहाँ से अदर बैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक करके आप यहाँ से उस पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आप मोड चूज करेंगे, अगर आपको फास्ट करना है तो IMPS चूज करेंगे, अगर आपको स्लो करना है तो RTS चूज करेंगे, तो अगर आपको फास्ट करना है तो IMPS करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड वाले पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए पर्सन टू अकाउंट, अगर किसी पर्सन को जो है आप भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड वाले पे क्लिक करके जो है उसको जो है फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें आपको मैं आपको बता दिया हूँ तो आप इसको थोड़ा डिटेल में इसको क्लिक कर करके आप देख लेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए कि अगर व्यू पे बिल देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, और टॉपअप रिचार्ज करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है टॉपअप रिचार्ज कर सकते हैं। तो देखिए कि आप टॉपअप रिचार्ज कर सकते हैं, यहाँ DDH रिचार्ज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है DDH रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर इंक्वायरी पर क्लिक करके यहाँ पर इंक्वायरी आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट डाल के आप इसका इंक्वायरी कर सकते हैं कि जो है अवेलेबल है या नहीं। तो मोबाइल रिचार्ज करने के लिए मोबाइल टॉपअप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है आप जो है चूज कर लेंगे सर्विस। यहाँ पर आपको एयरसेल, एयरटेल, BSNL आपको ढेर सारा यहाँ पे मिल जाता है, तो आपका जो है कौन सा सिम है वो आप जो इसमें से चूज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे सर्कल चूज कर लेंगे आपको कहाँ से, जैसे बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, बम्बे, गोवा, आपको जहाँ से भी है आपको इसमें से चूज कर लेना है कि आप जो है कौन से स्टेट से हैं। इसे अगर बिहार और झारखंड से है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद कितने के रिचार्ज करते हैं वो डाल के यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका रिचार्ज यहाँ से सक्सेसफुली आपका टॉपअप रिचार्ज हो जाएगा। इसमें आपको ढेर सारा जो गाइज आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से बहुत ही ईजी तरीका से कर सकते हैं। इसी तरीके से अपना जो पेमेंट हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, या आप SBI जनरल प्रीमियम देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है जो आप यहाँ से इसका लाभ उठा सकते हैं। सो गाइस इस तरीके से यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको 5-10 मिनट 15 मिनट टाइम देना है और इसको जो आप अच्छी तरीके से एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पे आपको सभी कुछ मिल जाता है, जैसे मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, इसके बाद जो है आप जो है यहाँ से बिजली का बिल पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे PPF अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पैसा किसी को भेज सकते हैं, किसी से मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 5-15-20 मिनट टाइम देना है और यहाँ से आपको ढेर सारा जो है ऑप्शन मिल जाता है, उसको बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पे आप इसको देख के बहुत ही आसानी से आप यहाँ से वो सारे काम कर सकते हैं जो आप जो है दुकान में जाके ये सब काम करवाते हैं, वो घर बैठे आप ये सब काम कर सकते हैं। सो गाइस अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से SBI का इंटरनेट बैंकिंग कैसे यूज किया जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।